जो टेक्नीशियन है, होनहार टेक्नीशियन, मैं उनसे पूछना चाहूँगा जो आप यहाँ से कोर्स अटेंड करके गए हैं कि क्या वाकई में मुंबई से जबलपुर का सफ़र उनको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मुझे बताइए। जी ऑफ कोर्स करना चाहिए, क्योंकि अगर लाइफ में कुछ बनना है ना, अगर अच्छा प्रॉपर प्रोफेशनल टेक्नीशियन बनना ना, तो वन टाइम तो आना चाहिए सर। पक्का पक्का 101% पैसा वसूल है कि नहीं है? फुल 101%। ये तो मेरा ब्याज अभी निकल रहा है सर। कि किस ले आईसी लेवल पे काम किया है कभी, आईसी उठा सर के? पहले तो नहीं करता था, पहले तो वही चार्ज। अभी जो सर डबल अब डेकर ना मक्खन के जैसा करते हैं तो ना ये सर। 3 4 दिन में आपने कौन सा आईसी किया था? सीपीयू किया था सर, सीपीयू और सीपीयू पावर आईसी पावर निकाल आईसी के, फोर जी जी निकाल फोर के जी लगा वो भी के चालू चालू किया किया था। चालू। सर मैं यूपी से हूँ, लेकिन मेरा जो शॉप है वो मुंबई में है, मुंबई में किधर? सानपाड़ा, नवी मुंबई, सानपाड़ा मोराज, सेक्टर 14। कहाँ, कितने टाइम से है? 2 साल हो गया। या क्यों आपने ऑनलाइन नहीं सीखा? नहीं सर, एक्चुअली मुझे अपग्रेड होना था, अपने आपको मतलब चेंज करना था, क्योंकि जब कोई काम होता नहीं था ना, तो कभी कैसे चालू हो गया और दे दिया कस्टमर का, 2 दिन के बाद बंद हो गया ना, तो सुना के जाता था, अच्छा तो मतलब वो सुन सुन के मतलब बुरा लगता था। फिर इसके लिए अब 2 साल से मैं तैयारी कर रहा था आने की, टेंशन था मतलब आया था तो ये सोच के आया था क्या मालूम सीख पाऊंगा कि नहीं, उतना अंदर डीप लेवल इतनी तक। दूर जा रहा जी हूँ, सर, जबलपुर कैसा शहर है पता यस नहीं, कहीं सर। है ना? लेकिन अभी जब आप जब फर्स्ट दिन आए थे ना, तभी मतलब ऐसा कॉन्फिडेंस लगा था कि सीख जाऊंगा और अब अब जब जा रहे हो तो कितना खुश है, सच बताओ? सर अब तो अभी इस्माइल से ही मालूम चल जाएगा। हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की, जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर। हाय माय यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं देवदत्त अग्रवाल, मेरे साथ में है सनी, और हम बात करेंगे भाई सनी की जर्नी डे वन से लेके अब तक की, क्या सीखा इन्होंने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एमएमसी में, और क्या पहले ये काम करते थे, क्या अब ये काम करने वाले हैं, कितना कॉन्फिडेंस इसमें आया है, और क्या वाकई में इनके हिसाब से इससे टेलीकॉम आपको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। हाँ भाई सनी, जी आपका नाम है सनी कुमार, किधर से? सर मैं यूपी से हूँ, लेकिन मेरा जो शॉप है वो मुंबई में है। मुंबई में किधर? सानपाड़ा, नवी मुंबई, सानपाड़ा मोराज, सेक्टर 14। कहाँ, कितने टाइम से है? 2 साल हो गया सर। 2 साल हो गया सर। सो आप किस लेवल पे काम कर रहे थे आप? सर वही जंपर मार के माइक लगाना, जंपर लगा के माइक, मतलब और नॉर्मल वे, नॉर्मल वही डिस्प्ले लगाना। डेड फोन आता था तो क्या करते थे? वही क्लीन विलिंग करता था, हीट मारता था, नहीं होता तो रिटर्न कर देता, रिटर्न कर देता। अच्छा, वाटर डैमेज आता था, लगता था चालू भी हो जाएगा क्लीन करने से, क्लीन करता था, पर जब वाटर डैमेज नहीं होता था, बोले अब कहाँ से चालू होगा, हाँ सर क्लीनिंग ही नहीं करने का, ऑलरेडी क्लीन है। क्लीन करता था, अगर हीट मारता था हुआ तो ठीक है। हीट मारते थे? अरे वही नॉलेज उतना था सर, क्या करेंगे। आप मुझे बताओ, कोई डेड फोन आया तो हीट मारोगे क्या? नहीं सर, अभी तो प्रॉपर काम करना है एकदम एंडलेस तक सर। प्रॉपर उसको डायग्नोस करोगे कि उसका DC to DC सही है, पावर सही है, उसका MMC उसका कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और CPU उसका पोर्ट बना रहा है, तो ये सारी चीजें चेक करो। यस 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 सर, ऑफकोर्स। अच्छा, तो मैं जानना ये चाहूंगा कि सनी आप अपनी चलती दुकान छोड़ के इतना पैसा वेस्ट करके डे बाय डे का क्यों इतनी दूर 1 महीना आके सीखे, क्यों वहीं नहीं, आपने किसी दुकान पर बैठ के नहीं किया सीख लिया, मनीष मार्केट या कहीं पर, या क्यों आपने ऑनलाइन नहीं सीखा? नहीं सर, एक्चुअली मुझे अपग्रेड होना था, अपने आपको मतलब चेंज करना था, क्योंकि जब कोई काम होता नहीं था ना, तो कभी कैसे चालू हो गया और दे दिया कस्टमर का, 2 दिन के बाद बंद हो गया ना, तो सुना के जाता था। अच्छा, तो मतलब वो सुन सुन के मतलब बुरा लगता था। फिर इसके लिए अब 2 साल से मैं तैयारी कर रहा था आने के लिए, लेकिन हो नहीं पाया सर। क्या आपको लगा ऐसा टेलीकॉम में ही क्यों तैयारी कर सर, रहे थे, कहीं और क्यों नहीं? मैं सर वीडियो बहुत देखता था सर, यहाँ का जो रिव्यू पॉजिटिव रिव्यू मिला ना सर, इसके आज लिए आपको मैं तो दे रहे हैं, सोचो। यस सर। तो आप मुझे बताओ कि आप यहाँ आए और जो हमारा स्लोगन है चेंज योर लाइफ, सनी पहले के और अब के सनी में कितना अंतर है? सर अभी बोल नहीं सकता, कैसा भी फील हो रहा था, अंदर से फीलिंग बहुत बेटर लग रहा है, बहुत बेटर लग रहा है। मतलब जब आप ट्रेन से आए थे और आप जब ट्रेन से जा रहे हैं, कम्प्लीटली चेंज दिमाग में, जब आप आए थे तो एक टेंशन लेकर भर के आए थे, टेंशन था मतलब आया था तो ये सोच के आया था क्या मालूम सीख पाऊंगा कि नहीं, उतना अंदर डीप लेवल तक। दूर जा रहा हूँ, जी सर, जबलपुर कैसा शहर है पता नहीं, कहीं है ना। लेकिन अभी जब आप जब फर्स्ट दिन आए थे ना, तभी मतलब ऐसा कॉन्फिडेंस लगा था कि सीख जाऊंगा। अब जब जा रहे हो तो कितना खुश है, सच बताओ? सर अभी इस्माइल से ही मालूम चल जाएगा, इस्माइल से मालूम चल जाएगा। वेरी गुड। सो थ्रू आउट इन्होंने काफ़ी अच्छी मेहनत की है, डिसिप्लिन फॉलो किया है, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है इसे टेलीकॉम की टीम को। सनी मैं जानना चाहूँगा कि किस आईसी लेवल पे काम किया है कभी, आईसी सर पहले तो नहीं करता था, पहले तो वही चार्ज। अभी जो सर डबल डेकर ना मक्खन के जैसा करते हैं तो ना सर। 3 4 दिन में आपने कौन सा आईसी किया था? सीपीयू किया था सर, और पावर आईसी फोर जी वो भी चालू किया, चालू। और सेकंड लास्ट डे में क्या किया था?
सेकंड लाइन में डबल डेकर आपने, और ये रैम वन टाइम क्लीन किया था क्या? यस वन टाइम, नहीं नहीं घंटा लग गया क्लीन करने, सबसे ज्यादा तो शायद क्लास में आईसी में नहीं लगाया, चालू भी मैंने किया सर। तो डे बाय डे हर एक जो हमारे सेक्शन में आपको प्रैक्टिकल मिला है यहाँ पर? यस सर, आपको पेट भर भर के प्रैक्टिकल मिले सर। कोई भी जो डाउट होते थे आपके मन में, आपको पूछने में ऐसा तो डर रहा है कि सर डांटेंगे? सर ऐसा कुछ नहीं, सबसे क्वेश्चन मैं ही करता था सर, कुछ भी जो भी नहीं समझ में आकर ऐसा घबराता भी नहीं था कि समझो ये क्वेश्चन अगर गलत भी हो तो सर डांटेंगे, जो दिल में डाउट था वो पूछ, बाजू वाले हंसेंगे ये बोलूंगा वो, बिल्कुल जो डाउट है वो क्लियर, भाई हम पढ़ने आए यहाँ पर है ना, क्योंकि सर इतना पैसा लगा इतना दूर शॉप बंद करके आने के बाद भी कि अगर डाउट रहेगा तो मतलब नहीं। पर क्या वाकई में कोई डाउट रहेगा? नहीं, पूरा डाउट क्लियर मैं करता था क्लास में। अच्छा सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो दुर्गेश सर से कैसा नॉलेज मिला? सर दुर्गेश सर के लिए तो अभी क्या बोलूं सर, बहुत एक मतलब मैं सॉफ्टवेयर करता ही नहीं था सर, मैं तो सिर्फ लैपटॉप चलाता था, उसमें सिर्फ मूवी वगैरह देखता था, बाकी उससे ज्यादा नॉलेज भी नहीं था। सर इधर आने के बाद मतलब एकदम क्लियर कर दिया सॉफ्टवेयर में जो करना है, फ्लैशिंग ड्राइवर FRP सब। ऑनलाइन फोनों को ऑफलाइन कैसे फ्लैश करना है? ऑनलाइन सिर्फ जब मैं लेके जाता था किधर सॉफ्टवेयर पहले कराने के लिए तो लोग बोलते थे ऑनलाइन करना पड़ेगा, इसको पेड करना पड़ता है, अभी मालूम चला पेड वगैरह कुछ नहीं होता, कुछ सब नहीं होता है, हो सब ऑनलाइन ऑफलाइन होता है। और आपका MMC की प्रोग्रामिंग की बात बताएं? MMC तो टॉप लेवल का मतलब नॉलेज दिया है ये मिलन सर ने, ये बहुत अच्छा नॉलेज दिया। अच्छा MMC पूरी चेंजिंग तक बताइए आप। यस यस, अगर डैमेज भी रहा तो आप बदल के और सिक्योरिटी भी ला दें? सिक्योरिटी ला के टोटल मतलब किस तरह उसको प्रोग्रामिंग करना, किस तरह चेंजिंग करना, कोड किस तरह सब मिलन सर। और यहाँ तक कि बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं कि MMC में डंप के कारण MMC चेंज नहीं कर पाते हैं, तो क्या यहाँ पर वो नॉलेज मिला? नहीं वो एकदम मतलब डंप किस तरह से हमको चेंज करना क्या करना सब नॉलेज इन्हें मिला सर। हाँ मतलब एक सरल वे में एक आपका काम आसान कर दिया। बहुत सारे देखो मैं आपको बताऊं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट के टीचर्स भी हम लोग से नाम बदल बदल के टेक्निक से कि सर मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ, और हम लोग को फाइंड आउट कर लेते हैं, पूछते रहते हैं, ट्रिक निकालते हैं कि सर मेरे पास डंप नहीं है, मैं इसको कैसे राइड करूं, या सर ये फ़ोन का चार्जिंग आया भी कैसे बनाऊं। अब मुझे बताओ कि हार्डवेयर सोल्यूशन कैसा लगा यहाँ था? हार्डवेयर का तो बहुत अच्छा सर, जो आपने नॉलेज दिया था ना अनबिलेबल नॉलेज। अच्छा तो समझ में आता था सब बच्चों को? सबको जिसको नहीं आता तो पूछता था सर, और फिर बाद में प्रैक्टिकल करता था। प्रैक्टिकल तो हम लोगों ने बहुत किया, ये अपना MD सर के MD सर का और दीपक सर का नॉलेज कैसा? बहुत उनको थैंक्स बोलना चाहूँगा, थैंक्स बोलना चाहेंगे। और सनी मैं आप ही या आप सारे बच्चे सेटिस्फाई होते थे? वो सब सर्टिफाइड होते थे, ऐसा कोई नहीं था कि सर जो इसमें मतलब सर्टिफाइड ना हो, सब होते थे सर। अच्छा और मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ से जाने के बाद अब आपकी क्या प्लानिंग है बताइए? अभी तो यही प्लानिंग, बस मार्केट को पूरा कवर करना, करना है। टूल कितनी इम्पोर्टेंट है आपके लिए? टूल मोस्ट इम्पोर्टेंट है सर, क्योंकि टूल नहीं रहेगा ना तो कुछ नहीं कर सकते सर, बिना टूल का हम लोग एक मतलब मदरबोर्ड को देख भी नहीं सकते, जिस तरह का नजरिया है ना, बड़ी बात है उस तरह से देखने का। अगर माइक्रोस्कोप नहीं रहेगा तो आप IC को तक नहीं देख, नंबर क्या उसका जी ना। चलो थैंक यू वेरी मच। मैं जानना चाहता हूँ कि अगर मुंबई के लोग मुझे देख रहे हैं और मुंबई से ये जानना चाहते हैं कि क्या हम वाकई में इसे टेलीकॉम ज्वाइन करें, सो मैं मुंबई के ही एक जो टेक्नीशियन है होनहार टेक्नीशियन, मैं उनसे पूछना चाहूँगा जो अब यहाँ से कोर्स अटेंड करके गए हैं कि क्या वाकई में मुंबई से जबलपुर का सफ़र उनको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मुझे बताइए जी। ऑफकोर्स करना चाहिए, क्योंकि अगर लाइफ में कुछ बनना है ना, अगर अच्छा प्रॉपर प्रोफेशनल टेक्नीशियन बनना ना तो वन टाइम तो आना चाहिए सर। पक्का 101% वसूल है कि नहीं है? फुल 101%, ये तो मेरा ब्याज अभी निकल रहा है सर। मिस्टर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया हो? क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? तो सीको निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका CPU निकालने वाले हैं?